ऐसी मार्केट के बारे में बताना चाहूँगा जो एक चांदनी चौक में है। चांदनी चौक में उस मार्केट के बारे में किसी को नहीं पता। हाँ तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था इस वाले साबुन की। एक ये वाला ब्रांड लेके आया था मैं, ये देख सकते हैं रात रानी ब्रांड का नेम है। एक ये काफ़ी अच्छा ब्रांड था, ये भी मैं अलग रेट पर लेके आऊँगी। रेट के मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को आखिरी तक देखें। फिर मैं सेकंड जो लेके आया था एक ये था नोमाक्स कंपनी का, जो बजाज की कंपनी है नोमाक्स। आप देख सकते हैं लिखा नोमाक्स, ये बजाज की कंपनी है, देख सकते हैं। ये वाला साबुन भी, और एक और जो काफ़ी अच्छी ब्रांड है इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, वो ब्रांड सिंथोल, देख सकते हैं आप सिंथोल। आप इसका देख सकते हैं, ये देखिए, ये सिंथोल कंपनी का साबुन है। ये सारे डीओ साबुन है, और मैं सोप लेके आया हूँ पार्क वेन्यू के सोप लेके आया हूँ ये मैं। ये देखिए आप देख सकते हैं, बहुत सारे फ्लेवर लेके आया हूँ। ये देखिए पार्क वेन्यू, ये देख सकते हैं आप पार्क वेन्यू। इसका जो मैं पार्क वेन्यू लेके आया था उसमें एक ये फ्लेवर लेके आया था मैं, देख सकते हैं एक ये फ्लेवर था, और सेकेंड एक फ्लेवर ये था, एक ये था, और बाकी ये दो फ्लेवर थे मैंने आपको दिखाई दिए थे। ये दो फ्लेवर थे, एक ये रहा और एक ये वाला। ये सारे फ्लेवर थे, ये देख सकते हैं, ये सारे फ्लेवर मैं लेके आया था वहीं से ही। ये सारे फ्लेवर जितने भी हैं, ये भी मैं वहीं से ही लेके आया था, और एड्रेस मैं आपको आखिरी में वीडियो के एंड में बताऊँगा मैं ये सब कहाँ से लेके आया था। और हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये डीओ तो मार्केट में भी इतने के ही मिलते हैं, लेकिन मैं बताना चाहूँगा ये वाला जो डीओ है ये 250 ml का डीओ है, देख सकते हैं। ये देखिए एक मिनट, ये मैं भी दिखाता हूँ, देख सकते हैं आप, ये देखिए 250 ml का है ये। ये देखिए इसका रेट ही एक्चुअल 250 है, ये 250 ml का है, 160 ग्राम का है ये, 160 ग्राम का। इसका प्राइस ही 250 है, इसका प्राइस भी 250 ही है, आप देख सकते हैं इसका प्राइस भी 250 ही है। ये देखिए इसका प्राइस भी 250 है, बाकी आप स्क्रीनशॉट खींच के देख सकते हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट, प्योर KS ओरिजिनल ब्रांड का है, ये देख सकते हैं आप ओरिजिनल ब्रांड, ये देख सकते हैं झाग बिल्कुल ओरिजिनल है। कभी आप सोचो कि ये फेक है, ये कोई फेक प्रोडक्ट नहीं है, तभी मैं इस मार्केट के बारे में आपको बता रहा हूँ। मेरे को यूज़ करने में तो काफ़ी बिल्कुल ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए बिल्कुल ओके है। खुशबू भी बिल्कुल इतनी जैसे न्यू होता है ना, बिल्कुल कैप वगैरह लगी हुई थी इस पर, वो मैंने बिल्कुल सील हटा दिया है। हाँ, और जो सेकंड था वो ये था जो आपको मैंने फॉर्म में था मैंने आपको चेक करा ही दिया है। बाकी बस मैं अभी यही चीज़ लेके आऊँ। अगर आपको शॉप के बारे में अगर आपको डिटेल में पता करना है तो आप मेरी वाली जो वीडियो है उस वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर मेरी वाली वीडियो पे अगर 250 लाइक्स आ गए तो मैं जल्दी ही वहाँ का ब्लॉग बना दूँगा। अगर आपके लाइक्स आए तो मैं उस जगह का ब्लॉग बना दूँगा प्रॉपर, और आपको दुकान भी दिखा दूंगा कि वो कहाँ पे मिलते हैं। ये जैसे मैं ये लेके आया हूँ सारे जितने भी हैं, ये साबुन वगैरह, ये जितने भी ये सोप बोलते हैं हम, सोप साबुन जितने भी हैं, ये सिंथोल वगैरह के, उनके पास और भी इतने महंगे महंगे ब्रांड हैं, जैसे वाइल्ड स्टोन पार्क वेन्यू तो मैं ले आया, और आपका पेयर्स भी मिलता है वहाँ पे, पेयर्स जो होता है साबुन सोप, और आपके जितने भी बड़े बड़े हैं डिटॉल, लेकिन वो लोग ना आप क्या वहाँ पे आपको नहीं दिखाएंगे, आपको खुद बोलना पड़ेगा कि डिटॉल वगैरह के साबुन दिखाइए या फिर हमें ये वाले साबुन दिखाइए, अगर आपको लग्जरी साबुन चाहिए। और वहाँ पे एक विवेल के भी साबुन मिल जाएंगे जो
अगर आपको थोड़ी अच्छी वैरायटी चाहिए तो वो और भी डब्बा पैक वाले में दिखा देंगे आपको, बाकी आप देख सकते हैं ठीक है। और बाकी आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, जितना हो सके आप लाइक करें, और 250 लाइक्स का हम एम रखते हैं। अगर 250 लाइक आ गए तो हम इसका एक व्लॉग बना देंगे और मैं आपको दिखा दूँगा कि ये कहाँ पर है इसकी दुकान, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्दी से जल्दी, नीचे ये रेड कलर का बटन दिख रहा होगा इसको प्रेस कर दें, और जो घंटी है उस घंटी को बेल को दबा दें, और जिससे मेरी जो वीडियो है वो जल्दी से जल्दी आपको दिखाई दे जाएगी, क्योंकि ये अभी तक की बेस्ट वीडियो है जो मैंने अभी तक मैंने शायद पूरे यूट्यूब पे मैंने सर्च कर लिया था इसके बारे में, किसी ने नहीं डाली इसके बारे में। और हाँ, ये मैं बताना चाहूँगा कि ये साबुन मैं कितने का लेके आया था, एक्चुअल बार्गेनिंग। प्लीज़ गाइस, अगर आप उस मार्केट में जाएं तो आप बार्गेनिंग ज़रूर करें, क्योंकि उस मार्केट में बार्गेन करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो लोग तो आपको रेट बताएंगे ज़्यादा, लेकिन आप अपना रेट लेके चलना, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन वो लोग प्राइस वैसे कम ही होता है, लेकिन आप 10-20% आप डिस्काउंट ज़रूर करवाना फिर भी, क्योंकि मैं भी जब गया था मैंने भी 10-20% डिस्काउंट करा दिया था, क्योंकि वो सेल का ही होता है सारा आइटम। तो आप उसमें साबुन भी ले सकते हैं, शैम्पूज, कंडीशनर, कोलगेट भी ले सकते हैं, अपने ब्रशेज भी ले सकते हैं, हैंड वॉश, सैनिटाइज़र, डिटॉल, आप बिल्कुल एवरीथिंग जो भी होता है ना हमारे होम में यूज़ होने वाली चीज़ें होती हैं वो सारी आप वहाँ पे जाके ले सकते हैं, और काफ़ी बिल्कुल हाफ प्राइस में, 50% से भी कम प्राइस में मिल जाता है। ये उन्होंने इस सब ये वाला जो पार्क वेन्यू वाला जो शॉप है, इस शॉप का उन्होंने मेरे को प्राइस बताया था 150, यानी कि 150 रुपये का एक किलो, और एक किलो के अंदर फिर मैंने बार्गेन कराने के बाद 130 का उन्होंने लास्ट करा था, क्योंकि वो बोल रहे थे क्योंकि हम सेल, ये सेल का आइटम होता है तो इसलिए हम लोग इसमें बार्गेन ज़्यादा नहीं करते, तो फिर भी मैंने इसमें 20 रुपीज़ का 1 kg पे डिस्काउंट करवा दिया था। तो कॉस्ट है 40 रुपीज़ 1 soap का, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए इसका 40 रुपीज़ है, देख सकते हैं आप, ये देखिए। तो अब और जो ये वाला है, ये मैं लेके आया था 100 रुपीज़ का 1 kg, 1 kg में ये 10 साबुन चढ़े थे, 10 साबुन आ गए थे ये 1 kg के अंदर, देख सकते हैं आप 9 marks। और जो ये वाला है, ये वाला मैं लेके आया था 70 रुपीज़ का 1 kg, ये देख सकते हैं आप 70 रुपीज़ का 1 kg था। और जो ये सिंथोल था, ये सिंथोल भी था 100 रुपीज़ का 1 kg, ये देख सकते हैं 100 रुपीज़ का 1 kg था ये वाला भी। और जो ये डीओ थे, ये डीओ मैं लेके आया था वहाँ से सिर्फ 100 रुपीज़ में, जो आपको ऑनलाइन लेने जाएंगे तो ऑनलाइन भी आपको ये 250 का मिलेगा आराम से। और ये फोम जेल उन्होंने मेरे को दी थी 80 रुपीज़ की, इसका प्राइस भी 160 रुपीज़ है, आप देख सकते हैं इसका प्राइस ही 160 रुपीज़ है, ये देखिए 160 रुपीज़ इसका प्राइस है। तो ये काफ़ी अच्छा मेरे को जगह काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि वहाँ पर अच्छी अच्छी मतलब इतनी सारी हमारे जो घर में यूज डेली यूज़ में होने वाली चीज़ें वहाँ पे इतने कम प्राइस में मिलती थी, तो इसलिए मैं सोचा था कि मैं आपको, तो अगर आपको जाना है वो उस जगह का नाम है चांदनी चौक, पहले तो आप चांदनी चौक जाएं, चांदनी चौक जाने के बाद आप चांदनी चौक में एंटर हो जाएं, एंटर होने के बाद आप किसी से भी पूछ लें, चाहे रिक्शे वाले से पूछ लें, चाहे आप किसी से भी पूछ लें, आपको उसको बोलना है कि भाई मेरे को खारी बाबली जाना है। कहाँ पे जाना है? खारी बाबली, जहाँ मसालों की मार्केट है, यहाँ पे काजू बादाम मिलते हैं। तो आपको उसको बोलना है कि भाई मेरे को चांदनी चौक तो आप जाओगे मेट्रो से, या फिर आप किसी भी व्हीकल से जाना चाहो, बाकी आप व्हीकल से तो जाए मत, क्योंकि वहाँ पे बहुत रश होता है, इसलिए आप व्हीकल से जाना वहाँ अवॉइड करें, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम वगैरह लगता है, इसलिए मैं तो मेट्रो से ही गया था, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ मेट्रो ही सजेशन करूँगा, क्योंकि मेट्रो में आप कंफर्टेबल रहोगे, और ऊपर से आपको ना कोई पार्किंग, और क्योंकि वहाँ पे चोरी वगैरह ज़्यादा होती हैं बाइक वगैरह की, तो इसलिए मैं आपको मेट्रो से ही प्रेफर करूँगा। और वहाँ जाने के बाद आप चांदनी चौक उतरें, उतरने के बाद आपको लाल किला, मतलब आप चांदनी चौक हो तो आपको डायरेक्ट
आपको जाना है खारी बाबली, आपको रिक्शे वाले से पूछना है या फिर किसी से भी पूछ लो आप शॉप वाले से कि भाई हमको खारी बाबली जाना है और मसाले की मार्केट जाना है। मसाले की मार्केट जाने के बाद आपको वहाँ पे पूछना है कि भाई ये जो साबुन की मार्केट है ये किधर मिल, मतलब किधर है ये साबुन की मार्केट, वो आपको कोई भी बता देगा वहाँ पे। बस आपको वहाँ जाके पता करना है। और बाकी अगर आप मेरी इस वीडियो पे लाइक कर देंगे, 250 लाइक आ गई तो हम इस वीडियो का एक ब्लॉग बना देंगे, आपको हम प्रॉपर दुकान दिखा देंगे कि कहाँ पे है वो। तो इसी के लिए थैंक यू गाइस, और ऐसे ही मेरे को सपोर्ट कर देना बस। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ये रेड कलर का बटन है और नोटिफिकेशन जरूर दबा देना, क्योंकि इससे मेरे को ना यार थोड़ी मोटिवेशन मिलती है। ये बेल आइकन को दबा देना, इससे मेरे को वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलती है। आगे मैं आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियो लाता रहूँगा, और सस्ते से सस्ते जितने भी अच्छी अच्छी मार्केट है हमारे सामान वगैरह खरीदने की, या फिर हमारे क्लोथेज वगैरह हो गए, या फिर हमारे जेंट्स वेयर हो गए, आप जिस चीज़ की बोलोगे आप मेरे को कमेंट कर देना आपको किस चीज़ की अगली वीडियो चाहिए, मैं उसी के ऊपर वीडियो बना दूँगा। थैंक यू गाइस, और मेरे चैनल पे आते बने रहें। थैंक यू, कीप लविंग। Don't you glad to meet me? Oh, yeah.